मैगी का स्वाद पहाड़ों पे या फिर इस तरह से। ओए ये देखो फ्रेंड्स, एक सायरन बजा है अभी ना, मैं सुनाई दिए हैं यहाँ पर इमरजेंसी सायरन। ऊपर से डैम से, जो इछाड़ी डैम मैंने आपको दिखाया था, वहां से पानी छोड़। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, हम लोगों ने चालदा महाराज जी के दर्शन कर लिए। हम दसऊ में हैं अभी और बस अब यहाँ से चल पड़े हैं वापसी। हमारा है कैंपिंग करने का इरादा, जो कि हम साथ में लेके आए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ जगह जगह पे इस तरह से पत्थर आए हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। वैसे पहाड़ी इलाकों में तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी रिस्की। हाँ, कच्चे पहाड़ होते हैं, रिस्की होता है क्योंकि आजकल कभी कभी जैसे बारिश तूफान वगैरह आता रहता है बीच बीच में। और वैसे भी हम काफी अभी काफी हाइट पे हैं हम लोग जगदीश, है ना। हमें यहाँ रास्ते में खाना खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, 4 बज गए। और बढ़िया वाला कढ़ी चावल मिला है यहाँ पर। फ्रेंड्स खाना खा लिया हम लोगों ने, अब जाके चैन आई है थोड़ी सी। चले आगे तुम लोग सारे, चलो चलो। ये है इछाड़ी डैम, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत बड़ा डैम है। फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं कोटी, और यहाँ से हम थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं। मैं आपको अभी वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ हम पपीते लेके आते थे सीरियसली। और यहाँ तो वीरान हो गया यार, बिल्कुल वीरान हो गया। वेदांशी ये दुकान होती थी, यहाँ पर हम पपीते देते थे इनको, मतलब हमारे राशन की दुकान थी ये वाली ना। और ऊपर रहते थे हमारे जो दुकानदार लाला जी थे, वो यहाँ रहते थे, उनकी फैमिली, और यहाँ पर सामान वगैरह बेचते थे। अब तो देखो कैसा वीरान सा हो गया यार, बड़े मैं तो बहुत बहुत सालों के बाद आई हूँ। फ्रेंड्स फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और अभी हम करने वाले हैं कैंपिंग यहाँ पर नदी के किनारे। हम करने वाले हैं अभी, ये देखिए आपको बहुत ही कुछ अलग सी चीजें। और रावत जी को आप देखो, ये देखो पूरे तामझाम के साथ पत्ते तोड़े, पत्तों पे खाएंगे हम कुछ। देखो क्या खाते हैं, पानी की बोतल ली आगे से। हमारे सारे बंदे कुछ ना कुछ पकड़ के जा रहे हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा सामान है। अंशु के पास ये दिया है, और प्रीशा ने उठाई है मैगी। ये है हमारी कैंपिंग की लोकेशन, उधर देखिए बिल्कुल रिवर बैंड पे हमारी कैंपिंग की लोकेशन है। और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी फीलिंग। मौसम भी ठीक हो गया है, गर्मी ज़्यादा है नहीं। तो चलो शिवन्या, शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। वो देखो, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है ऊपर, देखिए उधर वो विदांशी, और वहाँ तैयारी हो रही है ऑलरेडी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा।
ये देखिए, ये दोनों दोनों आते ही ना नहाने बढ़ गए। देखो जगदीश आ जाओ, वो दे थोड़े पानी में जाऊं, जितना पानी है वो मैल होने है। नहीं ये देखो, वो देखो, वो भाई वहां चला गया। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये हमारे मेहमान है सारे। ये बैठ गए मेहमानों की तरह। ओए मेहमान उठ जाओ, काम करो फटाफट, चलो। वो देखो, चूल्हे वाला वो रहा, ये रहा पीछे। वो देखो वहाँ तो पानी याद होना देगा ना जी, तो बहुत छोड़ते हैं पानी। नहीं इतना थोड़ी छोड़ेंगे गर्मियों में यार, दिमाग खराब ही तो ना हो। चलो यार मम्मी, ये देखो फ्रेंड्स, एक सायरन बजा है अभी ना। अब हमें नहीं पता कि वो पानी का सायरन है क्या है। ओ आजा हीरो, आजा जल्दी आ। ये देखो एक नाविक है हमारा भाई जल्दी आओ। हमें सुनाई दिए हैं यहाँ पर इमरजेंसी सायरन, जो कि जब ऊपर से डैम से, जो इछाड़ी डैम मैंने आपको दिखाया था वहाँ से पानी छोड़ते हैं, तब ये सायरन बजते हैं यहाँ पर। तो अभी हम अपना सामान उठा रहे हैं और कैंप का हो गया मोए मोए, तो हम अभी पूरा सिस्टम तैयार। हाँ बट कैंप नहीं लगाएंगे अब हम। ये देखो कैंप की सारी तैयारी थी, लेकिन अब रावत जी को उठाने पड़ रहे हैं, ये पसीने पसीने हो गए है ना। पर चलो यार, पता क्या है, वो सच में ऊपर से वो छोड़ रहे होंगे ना, खोल दिया होगा उन्होंने पानी ऊपर से। जो इछाड़ी डैम दिखाया था ना वहाँ से पानी आता है यहाँ के साथ, फिर कोई पंगा नहीं लेना। हाँ हाँ नहीं नहीं जितने चलो चलो स्विमर क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल पानी का पंगा नहीं लेना। वो देखो हमारी टीम ऊपर चली गई है, हम यहाँ पर करेंगे अब जो करेंगे। फ्रेंड्स हमारा ना वैसे प्लान थोड़ा दोबारा चलो हम चलते हैं, रुको इतना ऊपर नहीं आता पानी यहाँ चलते क्या पता। हाँ दीदी ऊपर पर आता है। हाँ जी अभी अपन सो रहे हैं, ऊपर दौड़ जाना यार तुम अपना। अरे यार टेंट कहाँ लगाएंगे फिर, यहाँ चलते हैं। टेंट का चक्कर लंबा हो जाएगा मम्मी। और ये है विधांशु रावत, चलते क्यों चलते। ये पत्ते इसके ऊपर खाएंगे हम, हमें खा के प्लेटों का चक्कर रहेगा, बट हमारे पास प्लेट भी है वैसे तो। हाँ हाँ जब बन जाएगी तो प्रीशा को भी देंगे बेटा, सबको देंगे मैगी। ये है हमारी यहाँ पर पिकनिक, थोड़ी पिकनिक में ना खलल पड़ गई बिकॉज ऑफ की सायरन बज गया और ऊपर इछाड़ी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, बट हमने थोड़ा ऊपर ले लिया है, मतलब काफी ऊपर आ गए अब हम पानी के पास से ना। हमारी मैगी डल चुकी है और अब हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। मैगी का स्वाद पहाड़ों पे या फिर इस तरह से, पीछे नदी हमारे टॉस नदी है। हाँ टॉस नदी है पीछे, और रिवर साइड जो मैगी खाने का मजा है ना वो कुछ और ही है फ्रेंड्स। और अभी बस हमारी मैगी तैयार हो रही है, ये खाने वाले बैठे हैं बड़े बेसब्री, ये सारे हमारे मेहमान बैठे हैं। पिज़्ज़ा तो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये मैगी पिज़्ज़ा को हैं, ये ड्रामेबाज। ये ऊपर गाड़ी हमने
ब्रिज पे खड़ी करी है और थोड़ा हमारा कैंप का रह गया फ्रेंड्स, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कैंप हम नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, किसी दिन और जगह जाएंगे, कहीं और कैंपिंग करेंगे। अभी यहाँ पर तो थोड़ा सा रिस्की हो गया। वो देखो, हाँ अंशु का देखो, अंशु इतनी डरपोक है ना, माय गॉड, ये 10-12 पैकेट थे, काफी है। मम्मा जी खाओगे? ये हो रही है मेरी बैग भी रेडी, 2 मिनट में। मैं भी खाना, वही रहो वही रहो। स्पेशल मैगी आदर है, क्या रहो बस मैगी रेडी है, सुधा समझ लो। किसी राउत कुछ बोलो, एंजॉय कर रहे हो? मैगी बन रही है अभी, ये बन रही है देखो मैगी, और ये देखे फ्रेंड्स, और पानी निकाल साथ में। ये देखो भाई ने, ये देखो इतनी सारी फिशेज, वो देखो छोटी जी फिश, हाँ वापस डाल बेचारी पानी है इसके। ये देखो भाई पानी लेके जल्दी आ जल्दी। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल देसी स्टाइल में पत्तों के ऊपर हम मैगी खा रहे हैं, और अभी खाना हाथ से पड़ेगा। हाँ जी रावत जी, कैसे लग रही है मैगी? बहुत बढ़िया, वो भी फिर देसी पत्ता कैसा लगेगा? देसी तो हाथ से खाते हैं ना, है ना? Awesome feeling है। पहाड़ी लोग तो हाथ से खाते हैं, ये देखो, है ना? तो और यहाँ पर आधे लोग हमारे में VIP भी है फ्रेंड्स। ये देखो चम्मच से, चम्मच तो हमारे पास है ही नहीं, वैसे हमारा चम्मच वाला आया नहीं, बट मैगी ऐसे देखो कैसे खा रहे हैं मैगी। चंपा है नहीं, चंपा कली है नहीं यहाँ। दो भाई, सबको दो, सबको मीठ थोड़ा सा ना, वो है ठंडा होने दो बेटा, खा लेंगे, थोड़ी ठंडी करके खा लो। कैसे लग रहा है? ये बात ठीक है बिल्कुल। वो देखो नॉनवेज की भी तैयारी हो रही है उधर, बिल्कुल देसी तरीके से मैगी खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और फ्रेंड्स चंडीगढ़ का मौसम गर्म है, यहाँ ठीक है, नॉर्मल लग रहा है हमें, और थोड़ी देर पहले तो इवन ठंडी हवा भी चल रही थी, बट अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है तो थोड़ा सा नॉर्मल सा ही है, हमें कोई गर्मी नहीं ज्यादा फील हो रही। इवन नहाना था रावत जी ने, बट उनका नहाना रह गया क्योंकि ऊपर से नदी आएगी, पर बहुत लेट आएगी वो, अभी नहीं आती वो, देखो कब का सायरन बजा रखा, अभी तक नहीं आए। यम्मी यम्मी। शिवन ने कैसे लगा आपको? जो उसको दे दे छोटे बेटे, उसको हमारी टीम आगे देखिए। ये देखिए चिकन, अभी इन्होंने उधर बनाया बिल्कुल लकड़ियों पे हैं, चूल्हे पे, चूल्हे पे। ये है नॉन वेज चिकन, ये लेग पीस, उत्तरी, ये मुर्गा ही है क्या? मुर्गे का ही है वो, इतना बड़ा मुर्गे का पीस, तीन। ये देखिए फ्रेंड, ये लेग पीस है, यहाँ पहाड़ी मुर्गा है, ये पहाड़ी मुर्गा क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है कड़कनाथ, कड़कनाथ। ये देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा टाइम चिकन लग पाए, पर यहाँ के मुर्गे ठीक होते हैं ना, यहीं की उनको देसी मिली होती है। देखिए फ्रेंड्स इतना सुहावना मौसम, और साथ में ये देखिए बस कैंप का चक्कर पड़ गया हमारा। हाँ अलर्ट की वजह से ना कर नहीं पाए हम लोग, अदरवाइज हम बढ़िया करने वाले थे यहाँ पर, बट चलो एनीवेज ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से हम सारा कूड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप कुछ कैंपिंग करो, कुछ करो, तो हमें ऐसे गंद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नदी गंदी होगी तो हमारा पानी गंदा होगा। फ्रेंड्स पैकिंग हो गई और बस अब हम जा रहे हैं, और मामू वहाँ पर बर्तन मांज रहे हो, देखो साहब। तो फ्रेंड्स अब हो गया है अंधेरा और हम चल पड़े हैं गांव की तरफ, हमारा गांव यहां से थोड़ा ही दूर है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं घर और अब जाके आराम आया। तो गाइस अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।